हम को आज के दिन ट्रेड कर रहे हैं हमें याद है आज से करीब दो दिन पहले हमने पेटीएम को ट्रेड किया था इस वाली डेट में उस दिन के अकॉर्डिंग पेटीएम हमारा वीक था और शॉर्ट साइड की तरफ हमने इसको ट्रेड किया था आज भी हमने क्या किया है पेटीएम को शॉर्ट साइड की तरफ ही ट्रेड किया है बट लेवल्स चेंज है बिकॉज प्राइस अभी कहीं और ट्रेवल कर रहा है अगर हम कंपेयर करेंगे और ट्वेंटी फोर्थ को छोड़ करके अब ट्वेंटी फिफ्थ को जब हम देखेंगे ट्वेंटी फोर्थ नवंबर को हमने बलरामपुर चीनी को ट्रेड किया था एंड ग्रुप में सभी लोगों के साथ वो स्टॉक हमने शेयर किया था जहाँ से हमें उसके अंदर बाइंग साइड की तरफ ट्रेड करना था एंड उससे पहले पे टी ने आप लोगों के साथ शेयर किया था सो पे भी बहुत लोगों ने ट्रेड किया हमने खुद भी ट्रेड किया था एंड बलरामपुर चीनी बलरामपुर चीनी ने तो कल करीब डेढ़ सौ डेढ़ परसेंट के आसपास का फुल मूव दिखाया था तो अच्छा खासा मूवमेंट प्राइवेट ग्रुप के अंदर जो स्टॉक्स हमने दिए थे उन्होंने दिखाया और आज हम ट्रेड कर रहे हैं पेटीएम को सो पे के अंदर मॉर्निंग से जो हमने टारगेट्स अपने लगा रखे थे कि प्राइस पर अपना ओपन हुआ है वहां तक अगर ये गिर सकता है तो अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल जाएगा कि अगर प्राइस ने अपनी इस ग्रीन वाली कैंडल के हाइस को प्रोटेक्ट करके नीचे की तरफ अपने सपोर्ट्स ब्रेक किये ना तो मूव हमें अच्छा देखने को मिलेगा अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, किस लिए किस सिस्टम और कौन सी स्ट्रेटजी के आधार पर हमने इसको ट्रेड किया स्टॉक हमने सेलेक्ट कैसे किया तो इस स्टॉक को हम लगातार देख रहे हैं अब आपने देखा है कि करीब दो, दो दिन पहले जब हमने इसको ट्रेड किया था तो उससे पहले से भी हम देख रहे हैं कि थर्ड ऑफ नवंबर से पहले देखिए स्टॉक कितना बड़ा इसने मूव दिखाया था तो वॉच लिस्ट में तो ऐड है ये क्योंकि इसने इतना बड़ा मूव दिखाया था इसी वजह से हम इसको ट्वेंटी थर्ड को ट्रेड कर पाए एंड ट्वेंटी थर्ड के बाद में फिर हमने इसको आज भी क्योंकि ये वॉच लिस्ट में लगातार बना हुआ है हमने देखा कि आज भी हमको ये हमारे एक सही लेवल पर मिल रहा है और ठीक ठाक प्राइस एक्शन हमें इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं इस वजह से हमने इसको भी ट्रेड कर दिया किसी स्कैनर से ये स्टॉक नहीं निकला ना ही किसी स्पेसिफिक एक्सल फाइल से ये स्टॉक निकला जस्ट वॉचलिस्ट में ऐड है हम इसको ऑब्जर्व करें इस वजह से हमने इसका एक लेवल अपना आइडेंटिफाई किया वहाँ से ट्रेड किया तो ये तो एक सेकेंड चीज हो गई कि इस स्टॉक को हमने सिलेक्ट कैसे किया अब बताती है ट्रेड करने के लिए किस सिस्टम को हमने इसके अंदर यूज किया याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको फॉलोइंग रोज के ऊपर काफी सारे ट्रेड एग्जीक्यूट करके दिखाए थे उसका सिस्टम क्या होगा जो मेन वीडियो है फॉलोइंग रोज की स्ट्रेटेजी का उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वहां से आप उस वीडियो को देखिएगा कोशिश कीजिएगा कि उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए अच्छी खासी प्रैक्टिस बिकॉज वो सिस्टम बहुत प्यारा सिस्टम है अभी भी भी हम जो ट्रेड करें आज लगभग कितना भी टेन थाउजेंड का अराउंड हमारा इसके अंदर प्रॉफिट चला है टेन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड नाइन्टी रुपीज का सो so, देखेंगे कि स्टॉप लॉस वगैरह कैसे किया है हमारे इसके अंदर टारगेट अभी हमने इसके अंदर फिक्स नहीं किया अपने टारगेट्स तो स्टॉप लॉस फोर सेवन वन पॉइंट सिक्स फाइव के हैं एंड जो हमने इसके अंदर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया फोर सिक्स एट पर हमारा ट्रेड है जनरली हम ट्रेड्स जो एग्जीक्यूट करते हैं उसकी टाइमिंग हम शो नहीं करते हैं वो हमारा अपना पर्सनल रीजन है हम टाइमिंग शो नहीं करना चाहते आज हम जानबूझ करके टाइमिंग से यहाँ पर शो कर रहे हैं बिकॉज कुछ एक चीज़ें हैं जो कि जाननी जरूरी है तो okay? so, हैं आप लोगों के लिए ओके सो वापस से चलते पोजिशन बुक में एंड इस वक्त टेन थाउजेंड के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है ठीक है एक एक चीज़ समझेंगे हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम पर रीडिंग क्या है हमारी और हायर टाइम फ्रेम की रीडिंग क्या है थैंक्स वीडियो अगर अच्छा लगता है उसको जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा कमेंट्स कीजिएगा एंड अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो देखिए फॉलोइंग रोज के अकॉर्डिंग होता क्या है चाहे वो ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो हमें इस तरह से गिरते हुए क्रम की वॉल्यूम्स चाहिए होती हैं तीन जब प्राइस इस तरह के मूवमेंट सॉरी जब वॉल्यूम्स इस तरह के स्ट्रक्चर हमें फ़ाइंड करके दिखाती है ना जहाँ पर भी हम लोग देखते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग प्राइस को मार्क करते हैं अच्छा ये तो एक आइडियल सिचुएशन हो गई कि अगर हमारी वॉल्यूम्स गिर रही हैं तो प्राइस गिर रहा है बट इसी के उलट अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरह की कंडीशन से यहाँ परफॉर्म हो सकती है मार्केट के अंदर दो और तीन बट हो सकता है कि प्राइस अप मूव में भी आपको दिख जाए और अगर अप मूव में नहीं दिख रहा तो हो सकता है कि वो आपको कुछ इस कंडीशन में दिखे या हो सकता है मदर कैंडल के फॉर्मेट में दिख जाए इस तरह से वो कोई भी कंडीशन हो सकती है बट ये कुछ आइडियल कंडीशंस हैं अप और सॉरी डाउन एंड अप मूव ये वाली और बाकी इन कंडीशंस में हमें प्राइस की रीडिंग करनी होती है कि उसका एक सूटेबल एरिया कौन सा होगा सो so, ये तीन और चार तरह के प्राइजेक्शन्स बनते हैं जब ये कैंडल्स हमारी फॉर्म होती है तो हमें देखना पड़ता है कि किस एरिया से हम इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिकॉज जो कैंडल्स हमारे लिए ज़रूरी होती हैं वो ये तीनों ही कैंडल्स ज़रूरी होंगी सो मूव ऑन करते हैं चार्ट के ऊपर अब डे टाइम फ्रेम पर आते हैं एंड डे टाइम फ्रेम पर लगातार इसके अंदर डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइस मेरा नीचे की तरफ गिर रहा है अब यहाँ पर जब हम वॉल्यूम्स को ऑन कर लेंगे तो देखिए तीन वॉल्यूम्स हैं मेरे पास जो कि लगातार गिरते हुए क्रम में है यानी कि ये कैंडल्स मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाएंगे चाहे बात करें हम फर्स्ट कैंडल की चाहे बात करें हम लास्ट कैंडल की इनके हाइज भी उतने इंपॉर्टेंट हैं जितना फर्स्ट वाली कैंडल का मेरा लो इंपॉर्टेंट हो जितना फर्स्ट वाली कैंडल का मेरा लो इंपॉर्टेंट अब एक काम करते हैं जितनी भी मार्किंग्स हैं इन सब को हम कर देते हैं डिलीट ओके okay. अब देखिए इस वाली कैंडल का हम हाई मार्क कर लेंगे और आज जो प्राइस जो मेरी सिग्निफिकेंट कैंडल बन रही है ट्वेंटी ऑफ नवंबर की कैंडल का हाई हमें जो प्राइजेस की रीडिंग करनी है वो हम फोर एंड फोर से करेंगे जो भी रीडिंग करनी है इन दो पॉइंट से ही हम लोग करेंगे वापस आ जाते हैं फाइव मिनट के टाइम ट्रेम पर प्राइस ने हाई वॉल्यूम के साथ कंसंट्रेट होकर के समझिएगा हाई वॉल्यूम के साथ अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की बट यहाँ से रिजेक्शंस देखने को मिल गए क्योंकि ये कैंडल इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज़ 474.30 इस लेवल को हमारी ये वाली जो कैंडल है टच करी और ये एक सुपर रेजिस्टेंस एरिया है बिकॉज अगर इसके ऊपर हमारा प्राइस निकल करके सस्टेन हो जाता है तो हो सकता है यहाँ से इसके अंदर एक अपमूव देखने को मिल जाए ये एज़ आ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा अब देखिए जब प्राइस हमारा इस जगह पर है तो इसके अंदर की एक्टिविटीज कैसी हो रही हैं हमें यह मालूम है कि इस ग्रीन वाली कैंडल का हाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और ये 474.30467 सेवेंटी ये मेरा एक हायर टाइम फ्रेम के लेवल बन जाता है अब अगर हमें इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो शुरुआत से सोचना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम पर क्या है प्राइस हमारा वीक है यहाँ से एक रिजेक्शन मार्केट दिखा रही है ये एक ब्लैक वाली कैंडल है नेक्स्ट ब्लैक वाली कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया यहाँ पर देखिए बाइंग की वॉल्यूम्स तो आई हैं बट कम है ठीक है यहां पर क्या हो रहा है ना एक मदर कैंडल फॉर्म हो रही है इन तीन कैंडल्स ने मिलकर के ठीक ठाक मदर कैंडल फॉर्म कर दी हमने क्या किया था ये जो ब्लैक वाली कैंडल फॉर्म हो रही थी ना दस बजे की कैंडल क्योंकि फोर सिक्सटी सेवन हमें मालूम है कि ये एरिया सही है और इसके नीचे ही ट्रेड करना बनता भी है अगर हम लोग आइडियली देखें तो इस ब्लैक वाली कैंडल के नीचे अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो ही सही है वरना अगर इसके पहले जैसे कि याद होगा जो एक दिन पहले हमने वीडियो अपलोड किया उसमें दिखाया है कि कैसे ब्रेकआउट को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से ही सो सेम कंडीशन यहाँ पर है कि प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया और यहाँ पर मदर कैंडल फॉर्म हो गई हमें ये लग रहा था कि प्राइस इस ब्लैक वाली कैंडल के थ्रू क्योंकि यहाँ पर देखिए रिट्रेसमेंट तो आया बट इसके अंदर वॉल्यूम्स नहीं है यहाँ से प्राइस हमारा नीचे की तरफ निकल जाएगा वो गिर जाएगा इस वजह से हमने क्या किया कि ट्रेड को पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया इस वजह से आप देखोगे कि यहां पर जो हमारा टाइम है ट्रेड एग्जीक्यूशन का वो दस बजे के आसपास है एंड फोर ये मेरा पॉइंट था 468 सिक्सटी एट यहां पर हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था इस कैंडल पर लेकिन जैसे ही हमने ट्रेड मारा ना प्राइस सीधे यहाँ से ऊपर चला गया और ये जो कैंडल बन रही है अपनी दस बजकर पांच मिनट की करीब तीन साढ़े तीन रुपए की कैंडल है क्योंकि यहाँ से देखिए जो स्विंग बन रहा है हमारा कितना है लगभग साढ़े तीन रुपए का सीधा सीधा साढ़े तीन हज़ार का लॉस हमको दिख रहा था इसके अंदर सीधा सीधा मतलब आज ये नौबत आ गई थी कि स्टॉप लॉस की बजाय हमें मार्केट प्राइस पर यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा थोड़ा सा लेकिन हमने वेट किया देखिए रिस्की होता है जब काम हम लोग करते ना तो कभी कभी थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा बिल्कुल भी सही नहीं ये गलत चीज़ है एक तरह से हम इसको सही नहीं मानते लेकिन कंट्रोल किया अपने आप को रुके हम अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो हमने उसको होने दिया हमने ये मान लिया था कि अगर प्राइस हमारे इस ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर चला गया ना तो हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे जो भी हमारा लॉस हो रहा है तीन हज़ार साढ़े तीन हज़ार का हम लेकर के बाहर निकल जाएंगे बट फिर प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से सीधे नीचे की तरफ गिरने से स्टार्ट किया बिकॉज तो यहाँ से हम लोग जो रीडिंग करें ना उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि हो सकता है प्राइस हमको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ट्रैप करें बट मे बी ये नीचे की साइड में इसको आना चाहिए तो हमने क्या किया दस बजे के अराउंड यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमने आ, एंट्री ली है वो दस बजे के पास मिली है और स्टॉप लॉस जो लगाया है वो दस बजकर छः मिनट पर मेरा स्टॉप लॉस लगा है मतलब फोर सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव कॉपी स्टॉप लॉस आप देखिए पेस्ट यहाँ पर देखें जब प्राइस हमारे यहाँ से नीचे की तरफ निकलने लग गया तो स्टॉप लॉस हमने फिक्स कर दिया अब अगर प्राइस दोबारा मेरा वहाँ पर गया तो हमारा स्टॉप लॉस जाना चाहिए बट फिर दोबारा ऐसा हुआ नहीं प्राइस हालांकि थोड़ी देर तक देखिए साइडवे तो रहा बट यहाँ से गिर जाने के बाद में एक रिट्रेसमेंट और सीधे नीचे की तरफ तो अभी फोर फाइव नाइन पॉइंट फोर्टी फाइव का प्राइस चल रहा है और प्रॉफिट्स जो भी हैं अपने पोजिशन बुक में देखेंगे तो करीब नौ हज़ार सात सौ के अराउंड चल रहा है करीब ग्यारह हज़ार के आसपास का चल रहा था अभी काफ़ी कम हो चुका है सो नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड के अराउंड का प्रॉफिट चल रहा है अगर हम लोग तीन हज़ार का रिस्क मान करके चले स्टेट के अंदर तो वन एशो टू से ज़्यादा का वन एस टू या वन एश्ट टू पॉइंट फाइव के आसपास का प्रॉफिट हमारा चल रहा है देखेंगे वेट करेंगे भी थोड़ी देर तक हम इसके अंदर वेट करेंगे और प्राइस अगर इस वाले लेवल के नीचे में ब्रेकआउट दिखा देता है एक भी कैंडल अगर अच्छी सी बन गई तो हो सकता है एक ही कैंडल में हमको हमारा टारगेट मिल जाए ओवरऑल ये अपनी एनालिसिस है आई होप कि समझ में आएगा देखिए हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस लगे कि ये कैसे कर लिया वो कैसे कर लिया लेकिन चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सिर्फ प्राइजेस की रीडिंग चल रही है आप कोई भी इंडिकेटर लगा लो कोई भी स्ट्रेटजी लगा दो कोई भी इसके अंदर आप लेवल्स अपने फाइंड आउट कर लो सब मार्केट के पीछे पीछे चलेंगे ये नहीं होगा कभी कि प्राइस उसको फॉलो करे आपके इंडिकेटर्स प्राइस को फॉलो करते हैं प्राइस इंडिकेटर को फॉलो नहीं करेगा अगर इसके अंदर आपको विनिंग रेशियो इंक्रीज करना है तो फिर प्राइस एक्शन पर शिफ्ट होना पड़ेगा आपको प्राइस को समझना पड़ेगा ना कि इंडिकेटर्स को उसको देखिए समझने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए एंड जो ब्रोकर हम यूज़ करें एसप्रोसो है एसप्रोसो के अंदर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि अदर ब्रोकर आपको प्रोवाइड नहीं करते सिर्फ एसप्रेसो ही करता है अगर आप मार्केट के ऊपर छोड़ दोगे कि हम लास्ट तक होल्ड करेंगे जैसे ये है मे भी हो सकता है कि हम पे को लास्ट तक होल्ड करें तो यहाँ पर अगर आप दूसरे ब्रोकर से बोलोगे कि हमें बाहर निकाल देना तो वो पचास रुपये सौ रुपये कुछ ऐसा चार्ज करते हैं लेकिन यहाँ पर एक भी पैसा नहीं पड़ेगा आपको और ऐसी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि ऑप्शन चेन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी लीजिए ऑप्शन चेन है किसी का भी निफ्टी का बैंक निफ्टी का किसी की स्टॉक का देखना सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी अब मान लीजिए दो सौ रुपये यहाँ पर प्राइस चल रहा है मेरा हमें बाई करना है दो सौ पर मार्केट प्राइस हम लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो दो सौ के पास में हो जाना चाहिए ना दो सौ रुपए पर या फिर दो सौ रुपए के आसपास हमारा बाई होना चाहिए बट अदर ब्रोकर्स क्या करेंगे ना हमेशा आपको महंगा देंगे हो सकता है कि दो सौ पॉइंट फाइव जीरो या दो सौ पॉइंट एक पर ले जा करके आपको छोड़ दें भले ही प्राइस वहाँ नहीं गया है लेकिन आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन दिखाएगा वो दो सौ पॉइंट फाइव जीरो टू हंड्रेड पॉइंट फाइव जीरो या फिर टू हंड्रेड वन पर दिखा देगा आप एंट्री करोगे और वो लॉस में चला जाएगा एंट्री करते ही लॉस दिखाने लगेगा आपको ऐसा बहुत बार होता है बहुत बार हमने एक्सपीरियंस किया है लेकिन एस्प्रेसो के अंदर क्या है ना अगर आप ट्रेड मारोगे मार्केट प्राइस पर भी अगर आपको मारना हो तो एक डिफॉल्ट प्राइस आपको दे देगा ये कि सारी क्वांटिटीज आपको उसी पर मिलेंगे और उस पर मिल जाती हैं सारी क्वांटिटीज मिल जाएंगी आपको एक तरह से स्मूथ है का, काफ़ी सारे ब्रोकर्स हमने यूज़ करके देख लिए ले, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ एसप्रेसो ठीक है आप काम कर सकते हो उसके सो आप चाहो तो एसप्रेसो से अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए आपको बेटर फील होगा वापस चलते हैं चार्ट के ऊपर एंड वेट करेंगे थोड़ा सा हैं देखते हैं कितना क्या प्रॉफिट होगा लास्ट तक जितना होगा लेकर के वापस निकलेंगे यहां से so, देखिए क्या हुआ है पेटीएम ने जितना मूव पूरे दिन में दिखाया था सिर्फ सिंगल तीन बजकर पांच मिनट की इस कैंडल ने दो परसेंट का मूव दिखा दिया और पूरे दिन की मेहनत हमारी बेकार हो गई जाने देंगे देखिए जब हम लोग काम कर रहे हैं तो हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ेगा तैयार रहना पड़ेगा अब तो समय भी नहीं बचा तीन बजकर बच दस मिनट हो चुके हैं एंड स्टॉप लॉस देखते कैंसिल तो नहीं हुआ है नहीं अभी तो पड़ा हुआ है थ्री सेवेंटी वन पॉइंट सिक्स फाइव का स्टॉप लॉस है बस दो सेकंड में बाहर ही है लीज ख़त्म हो गया ग्यारह बारह हज़ार का प्रॉफिट और अभी हम लोगों ने बुक किया है फाइव एटी सेवन रुपीज़ का प्रॉफिट ऐसा शायद लाइव मार्केट में जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शायद तीसरी बार ऐसा हुआ है शुरुआत से हाँ होता है अब इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा सारे एनालिसिस सही है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो हमने किया था वो भी सही है डायरेक्शन भी सही था स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट अब स्टॉप लॉस देखिए लास्ट तक अपना स्टॉप लॉस गया नहीं है ये वाले जो में लगाया था और एंट्री पॉइंट के पास में देखिए प्राइस किस तरह से रिजेक्शन दिखा रहा है हालांकि टारगेट एरिया हमारा 915 फिफ्टी इस वाली कैंडल के पास में था जो कि नहीं मिला और लास्ट में फिर हमारा सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ एक कैंडल ने ले लिया सिर्फ एक कैंडल ये देखिए मूव बोल सकते हैं कि अचानक से आया मूव है कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है अचानक से मूव आ गया इतना बड़ा कोई बात नहीं कम से कम यही सेटिस्फेक्शन अपने पास से है कि हम लोगों ने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया ये ट्रेड हमारा सही था प्रॉफिट कम ज़्यादा स्टॉप लॉस वगैरह सब चलता रहता है सो so, जिस रूल्स और जिन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे वो ब्रेक नहीं होने चाहिए सो थैंक्स एंड आई होप कि वीडियो एन्जॉय भी किया होगा आज का आप लोगों ने एंड कुछ ना कुछ सीखा होगा सो थैंक्स गुड बाय एंड वी विल मीट अगेन